दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पोर्टल पर। आज के इस वीडियो में हम RRB NTPC एग्जाम 2021 के 16 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में जो भी GK और GS के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हम एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि 69वां संविधान संशोधन 1991 किससे संबंधित है, यानी कि हमारा जो 1969 संविधान संशोधन हुआ था वो 1991 में किससे संबंधित है। तो ये दिल्ली को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया था, यानी कि जो 69 संविधान संशोधन है इसके तहत दिल्ली को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 का मैन बुकर पुरस्कार किसे मिला। तो वर्ष 2020 का मैन बुकर पुरस्कार मिला डगलस स्टुअर्ट को, जो जिनकी एक साइट थी सुगी बैन उसके लिए। और बात करें पहली भारतीय महिला जिन्हें मैन बुकर पुरस्कार मिला तो अनुरति राय को मिला, जो कि वर्ष 1997 में, और अन्ना वर्ग जो कि मिल्कमैन साहित्य के लेखक थे उनको वर्ष 2018 में मैन बुकर पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ASCII का फुल फॉर्म क्या है। ASCII का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर कब होती है, तो उसे क्या कहते हैं, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच जब दूरी सबसे अधिक होती है तो उस समय हम क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं एफहेलियन, यानी कि उपसौर, और जब सबसे नज़दीक होती है तो उसको बोलते हैं पेरिहेलियन, ठीक, उसको हिंदी में उपसौर बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में नमक कौन कैरी करता है, यानी हमारे शरीर में जो नमक है वो एक जगह से दूसरी जगह कौन ट्रांसपोर्ट करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। ठीक, नेक्स्ट है कि माथुरी किस राज्य का लोक नृत्य है, यानी माथुरी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत UNO का सदस्य कब बना। तो बात करते हैं भारत UNO का सदस्य वर्ष 1945 जब UNO की स्थापना हुई थी, तो उस समय भारत UNO की स्थापक सदस्य था। इसकी स्थापना की बात कर रहे हैं UNO की, तो स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, और प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की बात करें तो 193 सदस्य हैं, और जो 193वां सदस्य है वो साउथ सूडान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि IPL में पर्पल कैप किसे मिला। तो IPL में पर्पल कैप मिला काशी गोरवादा, जो कि सबसे ज़्यादा विकेट लेने के लिए दिया जाता है, और ऑरेंज कैप की बात करें तो KL राहुल को मिला, जबकि IPL के विनर की बात करें तो मुंबई इंडियंस थी विनर, और उप विजेता की बात करें तो दिल्ली कैपिटल इसकी उप विजेता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NaHCO3 का केमिकल नेम क्या है। NaHCO3 का केमिकल नेम, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका केमिकल नेम है, और कॉमन नेम हो जाएगा इसका बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2018 के अनुसार सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल किस राज्य में है। तो हम सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश में क्या है, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, उसके बाद मेघालय में। अगर हम परसेंटेज की बात करें कि किस राज्य में उसकी एरिया के प्रतिशत के हिसाब से ज़्यादा वन क्षेत्र है, तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि त्रिशूल किस प्रकार की मिसाइल है। तो बात करते हैं त्रिशूल मिसाइल की, तो त्रिशूल मिसाइल क्या है कि सरफेस टू एयर मिसाइल है, और इसका विकास DRDO द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रुपये का प्रतीक किसने डिजाइन किया था। तो जो भारत में रुपया है उसका जो प्रतीक है हम बनाते हैं ऐसे, इसको डिजाइन किसने किया था, तो इसका डिजाइन उदय कुमार ने किया था वर्ष 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो बृहदेश्वर मंदिर जो कि तमिलनाडु में, इसका निर्माण राजा चोला प्रथम ने वर्ष 1003 से लेकर 1010 के बीच कराया था, और यह 1987 में यूनेस्को में शामिल हुआ था बृहदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि REED का फुल फॉर्म क्या है। तो REED का फुल फॉर्म होगा रूरल एनर्जी इंटरप्राइज डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीन पटनायक किस राज्य के CM हैं। तो नवीन पटनायक की बात करें तो नवीन पटनायक ओडिशा राज्य के CM हैं, और ये 14वीं बार CM बने हैं, और जिनकी पार्टी का नाम है बीजू जनता दल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लकड़वाला समिति किससे संबंधित है। तो लकड़वाला समिति का गठन वर्ष 1993 में गरीबी की माप के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लाइसोल का IUPAC नेम क्या है। तो ग्लाइसोल का IUPAC नेम हो जाएगा प्रोपीन 1-2-3 ट्राइयोल। ठीक, अगर बात करें IUPAC का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष
1939 विश्व युद्ध के समय भारत के वायुसराय कौन थे? तो जब वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उस समय भारत के वायुसराय थे लॉर्ड लिंगथो, जो कि वर्ष 1936 से लेकर वर्ष 1944 तक भारत के वायुसराय थे। नेक्स्ट है कि फाइल के रीनेम करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो F2 शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑनलाइन मीटिंग ऐप, तो ये क्वेश्चन पूछा था ऑनलाइन मीटिंग ऐप से संबंधित, तो बात करते हैं ऑनलाइन मीटिंग ऐप की, तो जूम और गूगल मीट क्या हुए? हमारे ऑनलाइन मीटिंग ऐप हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोग या अगरसोप्ता जलप्रपात किस राज्य में है? तो जोग अगरसोप्ता जलप्रपात की बात करें तो ये कर्नाटक राज्य में है, जिसकी ऊँचाई 253 मीटर है और ये शरावती नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला की बात करें तो अवनी चतुर्वेदी क्या है कि फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला है। नेक्स्ट है कि मंगल मिशन सफलतापूर्वक पूरा करने वाला पहला एशियाई देश, यानी कि कौन सा ऐसा पहला एशियाई देश है जिसने मंगल मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया? तो इसका राइट आंसर है इंडिया। इंडिया पहला ऐसा देश है एशिया का जिसने मंगल मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2018 के अनुसार लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो वर्ष 2018 के अनुसार लिटरेसी रेट की बात करें तो केरला में सबसे ज़्यादा क्या है लिटरेसी रेट है। नेक्स्ट है कि बन फॉग संघ किस राज्य से संबंधित है? तो बन फॉग की बात करें तो ये पंजाब राज्य से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वर्ष 1938 में कौन वायसराय सैनिकों के साथ आया था? तो विक्टर होफ, जो कि वर्ष 1938 में वायसराय था, जो कि भारी सैनिकों के साथ आया था। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।